गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन द ग्लैम गर्ल रॉस। गाइस टोनर को हमारी स्किन केयर में बहुत ही बेस्ट और इम्पॉर्टेंट माना गया है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि स्किन एक्सपर्ट और ब्यूटिशियन टोनिंग को बेहद जरूरी क्यों मानते हैं और साथ ही बताऊंगी कि टीनेजर्स गर्ल्स की पिंपल्स और टैनिंग की समस्या सबसे अधिक होती है क्योंकि कील मुहांसे जहां शरीर में हो रहे हैं हार्मोनल बदलाव के कारण निकलते हैं, वहीं टैनिंग की वजह होती है स्कूल ट्यूशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के दौरान अधिक समय का सन एक्सपोजर। तो गाइस टीनेजर्स की उम्र में बच्चों की त्वचा बहुत ही केमिकल बेस्ड और हार्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको बहुत ही नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए आपके स्किन पे, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी स्पेशली टीनेजर्स के लिए बेस्ट टोनर। तो इसके लिए आपको चाहिए बस दो चीज़ें, रोज़ वाटर और विटामिन ई की कैप्सूल। इसके फायदे तो आप जानते ही होंगे और ये सबसे बेस्ट होता है, इसमें 1% भी केमिकल नहीं होता है। इसे मैं अभी तक यूज़ करती हूँ, जबकि मैं टीनेजर्स में नहीं हूँ, फिर भी मैं इसे यूज़ करती हूँ अपने स्किन पे डेली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसे बनाते भी कैसे हैं। स्किन केयर के लिए न्यूट्रीगेना अल्कोहल फ्री टोनर को भी बेस्ट टोनर के लिस्ट में शामिल किया जाता है। यह ऑयल फ्री और अल्कोहल फ्री टोनर है जो स्किन के नेचुरल मॉइस्चराइजर्स को बिना हटाए अच्छा रिजल्ट देगा और मेरा दावा है कि यह स्किन को गहराई तक जाएगा और सफाई करेगा और स्किन को ड्राई भी होने नहीं देगा। गाइस अब विटामिन ई कैप्सूल के फायदे के बारे में तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। तो इस टोनर को हमें बनाने के लिए बस चाहिए दो चीज़, विटामिन ई की कैप्सूल और रोज़ वाटर, और हमें चाहिए एक स्प्रे बॉटल ताकि वो आपके फेस पर डायरेक्ट बहुत ही अच्छे से स्प्रे हो जाए। चलिए अब इसे मैं बताती हूँ कि इसे बनाते कैसे हैं। गाइस इसमें मेरा थोड़ा सा टोनर है तो मैं इसी में उसको ऐड करूँगी और टोनर बनाऊंगी। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे टीनेजर्स के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, और साथ ही अगर बड़े हैं तो वो यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं ये प्रोडक्ट्स और बिल्कुल केमिकल फ्री हैं। रोज़ वाटर को हम स्प्रे बॉटल में पूरा डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे विटामिन ई के एक कैप्सूल या दो कैप्सूल भी आप ऐड कर सकते हो, मैं एक कैप्सूल यूज़ कर इसमें ऐड कर रही हूँ। और गाइस ये मेरा फेवरेट वाला टोनर है, बहुत ही भरोसेमंद वाला टोनर है, इसे लगाने से आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, बहुत ही स्किन पे आपको ग्लो आएगा, मॉइस्चराइजिंग भी अच्छे से होगी। और आपके पता है आपको टोनर यूज़ करने से आपके पोर्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, बड़े भी नहीं होते हैं। जिनके पोर्स बड़े बड़े हैं वो टोनर ज़रूर यूज़ करें, आपके फेस का जो पोर्स है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और आपके फेस बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज भी होगी। तो हमारा टोनर हो गया है रेडी। आप इसे कितने दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रिज में भी रखें, बिना फ्रिज के भी आप इसे जब तक चाहें जितने दिन के लिए आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं। होप यू गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और इसे टीनेजर्स को स्पेशली शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।